छक्के छुड़ा देंगे। हमका चाही बदला। इट्स अ फ्रेंडली मैच माही। हम कोनों के माही वाही नाही। ये है हमरी तलवार और ये तोप का गोला। कौन बोला भाई? क्या मैच था। एक क्रिकेट फैन को यार चाहिए क्या आईपीएल में कि एक टीम 200 रन बनाए और दूसरी टीम उसे चेस कर ले। और हम जानते हैं कि यार उस मैच में इतने चौके छक्के लगेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। और कुछ उसी तरीके से सीएसके की टीम पहले बैटिंग करते हुए 210 रन का टारगेट देती है, लखनऊ की टीम उसे 20वें ओवर में चेस कर लेती है। तो ये मैच भाई एकदम थ्रिलर से भरा हुआ था। एक वक्त के लिए तो यार गोटी मुंह में आ गई थी। और भाई इस आईपीएल मैचेस में अभी तक 7 मैचेस हुए हैं और सभी एक से बढ़कर एक एक नंबर। और अगर यार इन मैचों को यार थिएटर में लगाया जाए तो ट्रिपल आर को अच्छा कंपटीशन दे सकती है। यार मैच में बहुत कुछ है बात करने के लिए, तो हम शुरू करते हैं एकदम शुरू से। तो सबसे पहले टॉस होता है और टॉस लखनऊ की टीम जीत जाती है। तो केएल राहुल नो डाउट बॉलिंग करने का फैसला करते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि मैच की दूसरी पारी में अगर लखनऊ की भाषा में कहे तो दो लहरा सीत पड़ती है। तो इसलिए केएल राहुल पहले बॉलिंग करने का फैसला करते हैं। तो सीएसके यार पहले बैटिंग करने के लिए आती है और तीसरे ही ओवर में ऋतुराज गायकवाड एक रन पर आउट हो जाते हैं। पहले मैच में उन्होंने 0 रन बनाए थे और इस मैच में 1 रन बनाया, तो ग्रोथ काफी अच्छी हुई है। लेकिन भाई उथप्पा आज नाश्ते में उथप्पा खा के आया था क्या? क्या लाजवाब लाजवाब शॉट्स मार रहा था। और यार सही में उथप्पा कोई खाना होता है क्या? आप लोग नीचे कमेंट में कमेंट कर देना। और यार शिवम दुबे ने क्या कमाल का 49 रन बनाया, केवल मात्र 1 रन से अपनी हाफ सेंचुरी मिस करी है। ये दुबे ही है जो सीएसके को लास्ट में ले डूबे हैं। और भाई रायडू जडेजा और धोनी ये सभी मिलकर रन पेटिया में थोड़ा थोड़ा रन दान करते हैं, जिससे सीएसके की टीम 210 रनों के स्कोर तक पहुंच पाती है। लखनऊ की तरफ से केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक बैटिंग करने के लिए आते हैं और धमाका शुरू हो जाता है। इन दोनों की बैटिंग यार सीएसके को इतनी अच्छी लगती है कि सीएसके के फील्डर्स इन दोनों के एक एक कैच छोड़ देते हैं। और फिर मैच के मिडिल ओवर्स में 2-3 विकेटें गिरती हैं। मैच में सीएसके के लिए सब कुछ सही चल रहा था 18वें ओवर तक, लेकिन एक ही चीज सही नहीं हुई थी और वो है किसी के ओवर ही नहीं बचे थे यार। ड्रैगो, प्रिटोरियस, देशपांडे, इन सभी के ओवर्स खत्म हो चुके थे। अब ओवर्स बचे थे तो सिर्फ मोइन अली के और रवीन जडेजा के। वहीं पर माही भाई 2016 वाली एक चाल चलते हैं, जब 2016 के वर्ल्ड कप में माही भाई ने हार्दिक पांड्या से एक लास्ट ओवर कराया था और हार्दिक पांड्या ने उस लास्ट ओवर में 6 या 7 रन डिफेंड करे थे। लेकिन यहाँ पर तो माही भाई को मजबूरन 19वां ओवर शिवम दुबे से करवाना पड़ता है और एविन लुइस को इसी ओवर का इंतजार था। और यहाँ से लखनऊ सुपर जायंट को 2 ओवर्स में 34 रन चाहिए थे और लुइस ने यार शिवम दुबे के उसी ओवर में 25 रन ठोक डाले और बाकी खुचा काम आयुष बदोनी ने कर दिया। तो ये तो था यार मैच का पूरा हाल। तो अब हम बढ़े मीम्स की तरफ। उससे पहले यार शहर से उड़ती उड़ती एक खबर आई है। आग लगाने वाले 2 भाई हैं। नहीं यार ये नहीं, रिले देख के यार आप लोग पागल हो गए हो। उड़ते उड़ते शहर से एक खबर ये आई है कि पाकिस्तान वालों ने इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया वालों ने पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान को 352 रन का लक्ष्य दिया था, जिसे पाकिस्तान ने शायद 6 विकेट रहते ही चेज कर लिया। और भाई इस मैच में मेरे फेवरेट बैट्समैन बाबर आजम ने कमाल की सेंचुरी लगाई है। मैंने आपको बोला था ना कि पाकिस्तान को कभी भी हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो यार तीसरा मैच तो और भी इंटरेस्टिंग हो गया है। तो अब हम यार मीम्स देख लेते हैं। शिवम दुबे 1 ओवर 25 रन्स। भाई वो शिवम दुबे को बोल दियो कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिए। ये यार गलत बात है ना। एमएस धोनी के पास यार और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था कि शिवम दुबे की जगह दूसरे को किसी से बॉलिंग करवाएं। के पास ऑप्शन थे तो केवल स्पिनर्स के, इसीलिए माही भाई ने सोचा कि यार इससे अच्छा फास्ट बॉलर से ही बॉलिंग करवा लें। लेकिन यार दुबे के यार एक ही ओवर में 25 रन पड़ जाते हैं। हो जाता है यार कभी कभी, फील्डर्स बिफोर टुडे मैच। सही में यार लग रहा था कि यार सीएसके के फील्डर सही में आज हाथों में अपने तेल लगा के आए हैं। उथप्पा फॉर आरआर, उथप्पा फॉर सीएसके। ओए उथप्पा ओए, फिर छुना लगा दिया। किस तरह का आईपीएल चल रहा है जहां 200 रन बनाने पर भी टारगेट चेज हो जा रहे हैं। शिवम दुबे 49 रन। अरे हाथ मत लगाओ मेरे भाई को। शिवम दुबे 1 ओवर 25 रन, साले कुत्ते। देख भाई अगर तेरा ये लास्ट सीजन है तो बीजेपी का टिकट दिलवाऊं क्या? भाई ये तो कोई रिस्पांस ही नहीं दे रहा है। रिस्पांस दिया ना यार, पहले पिछले मैच में 0 रन बनाए थे, इस मैच में 1 रन बना दिया, तो 1 रन का तो ग्रोथ हुआ यार। ऋतुराज इन आईपीएल 2021, मुझे सब आता है। ऋतुराज इन आईपीएल 2022, जब्बा। ये बढ़िया था गुरु। तो बस यार आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। तो आईपीएल के ऊपर ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।